हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कैलेडियम प्लांट की, और नॉर्मली जिसे एलिफेंट ईयर के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैलेडियम प्लांट एक सीजनल प्लांट है जो कि बरसात के मौसम में देखने को मिलता है। अप्रैल लास्ट और मई में इसकी पत्तियां ग्रो करना स्टार्ट कर देती हैं, और इसकी बहुत सारी वैरायटीज़ देखने को मिलती हैं। इनकी लीव्स बहुत ही कलरफुल होती हैं। तो अगर आपके गार्डन में कैलेडियम प्लांट नहीं है तो आप इसे ज़रूर ही ऐड करिए, क्योंकि अगर एक बार आप इसे ऐड करते हैं तो बार बार इसे लेने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप सीजन आने पे फिर से ग्रो कर जाता है। तो मेरे पास इसकी 3 वैरायटीज़ हैं, जिसमें ये पिंक ब्यूटी है, और एक ये है, इसे फ्लोरिडा क्लाउन कहते हैं, और मेरे पास एक ये वाइट कलर की लीव्स जो दिख रही है, इसे वाइट क्रिसमस कहते हैं। तो ये मेरे पास 3 वैरायटीज़ हैं। इसकी और भी बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, तो इसे कैसे उगाना है चलिए देख लेते हैं। तो इसे उगाने के लिए इसके बल्ब्स आते हैं, या इसको ट्यूबर बोलते हैं, या बल्ब्स हैं, तो इनसे ही ये जो है ग्रो करता है। तो इसे आप ऑनलाइन फ्लिपकार्ट या अमेजोन से मंगा सकते हैं, या तो आपके आसपास अगर कहीं गार्डन में मिल जाता है तो और अच्छा, एक छोटा बल्ब भी मिल जाएगा तो ये आगे चल के बहुत ग्रो कर जाता है। तो ये देखिए, मेरे पास पहले बहुत कम था ये, और अपने आप ग्रो के ढेर सारे बल्ब बन गए हैं। और आप ये जब बड़ा हो जाता है बल्ब, तो आप इसे कई पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। देखिए, इसमें लीव्स भी आने लगी हैं। अभी अप्रैल लास्ट का महीना चल रहा है और इसमें लीव्स निकलना शुरू हो गई हैं, और ये मैंने निकाल के रखा हुआ था और इसको पानी मिला तो इसमें से ये देखिए ग्रो करने लगा है। तो इसके जो बल्ब्स हैं, आप इन्हें कई पार्ट में डिवाइड करके अगर ये बड़ा है तो आप लगाइए, तो इसको तोड़ लीजिए छोटे छोटे पार्ट्स में। जैसे कि ये मेरे पास है, इसमें से मैंने इसको तोड़ दिया एक दो पार्ट्स में, ताकि वो और ग्रो करे और बड़ा होता जाएगा। तो ये देखिए टूट गया है, तो चलिए अब इसे लगा लेते हैं। तो इसके लिए बहुत बड़े पॉट की ज़रूरत नहीं है, छोटे से पॉट से भी काम चल जाएगा। मेरे पास अभी पॉट खाली नहीं है वैसे, तो इसमें मैंने पहले से ही लगा के रखा हुआ था, तो इससे में से ही मैंने उसे निकाला था, और इसमें उसको पॉट लगा देते हैं। इसके लिए नॉर्मली गार्डन सॉइल आप लीजिए और उसमें थोड़ा गोबर का खाद मिला लीजिए, और बस इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। वाटरिंग का ध्यान रखिए, क्योंकि बरसात का मौसम है तो पानी बहुत ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। जब सॉइल बहुत ड्राई लगे तभी पानी दीजिए, नहीं तो इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है। और हो सके तो सनलाइट थोड़ी बहुत इसे मिलनी ज़रूरी है, और नहीं भी मिलेगी तो भी बहुत ऐसा नहीं है कि प्लांट ग्रो नहीं करेगा। तो इसकी केयर बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत है ही नहीं। तो ये मैंने लगा दिया है, और एक और छोटा सा ही कंटेनर है, इसमें भी मैं लगा देती हूँ। आपके पास जो भी बड़ा पॉट या छोटा पॉट जो भी है, आप उसमें लगा दे सकते हैं इसको। बाद में मैं इसे किसी गमले या पॉट में शिफ्ट कर दूँगी। तो अगर आपको इसका कहीं से छोटा ट्यूबर भी मिल जाता है तो आप वो ले लीजिए, या फ्लिपकार्ट या अमेजोन से भी आप इसे मंगा सकते हैं। तो एक बार मंगा लिया तो सालों साल आपके गार्डन की शोभा बढ़ाता रहेगा ये। तो इसमें सॉइल मैंने जो ली है वो गार्डन सॉइल है, और गोबर की खाद मिलाई हुई थी, बहुत ज़्यादा सूख गई है सॉइल, तो इसलिए ये ऐसी हो गई है। तो फ्रेंड्स, हम लोग अब इसे वाटर दे देते हैं। तो एक चीज़ का ध्यान रखना है कि वाटर बहुत ज़्यादा नहीं देना है, जब सॉइल सूखी लगे तभी आप वाटर दीजिए। हम लोग प्लांट की ओवर केयर करने के चक्कर में जो है कि उसको रोज़ वाटर बहुत ज़्यादा देने लगते हैं, जिसकी वजह से प्लांट ख़राब होने के चांस होते हैं, उसकी रूट सड़ भी जाती हैं।
तो इसलिए बहुत ज़्यादा वाटर मत दीजिए। जब लगे कि हाँ प्लांट मुरझा रहा है या फिर उसकी सॉइल बहुत सूख गई है तभी वाटर दीजिए, कोई भी प्लांट हो, किसी भी प्लांट की बात करें तो। तो ये हो गया। आप देखिए 20 दिन के बाद इसका रिजल्ट कुछ इस तरह है। इसमें ढेर सारी लीव्स आ गई हैं और अभी इसमें और भी लीव्स आएंगी और ये और भी बुशी हो जाएगा। तो इसमें दो वैराइटीज़ दिखाई दे रही हैं, ये वाइट क्रिसमस है और ये है फ्लोरेटा क्लाउन। तो इसमें दो वैराइटीज़ आई हैं क्योंकि ये बल्ब्स जो होते हैं उनसे पता चल नहीं पाता है कि इसमें कौन कौन सी वैराइटीज़ हैं, तो मिक्स हो जाता है अगर तो। इसके अलावा ये एक और है, देखिए इसमें ये रेड, इसको इसकी बेंस जो है पिंक कलर की हैं इसलिए इसको पिंक ब्यूटी बोलते हैं। और ये भी बहुत अच्छे से इसकी भी लीव्स आ गई हैं, हमने जो ये लगाया था एक छोटे से डिब्बे में, ये देखिए इसमें की लीव्स कैसी आई हैं। अभी और बुशी होगा और इसको थोड़े से बड़े पॉट में हो सके तो मैं शिफ्ट करूँगी, अभी इसमें और लीव्स आने वाली हैं। मेरे पास ये वाइट वाला बहुत छोटा सा बल्ब था लेकिन देखिए अब बहुत, ये अगले पिछले साल जो है कि बहुत एक ही लीव्स दो ही लीव्स आई थी पर अब कई जगह इसकी लीव्स आ गई हैं तो ये बढ़ गया है। आप छोटे से डिब्बे में या किसी में भी लगाइए, ये देखिए एक छोटा सा और वो था डिब्बा, मैंने उसमें लगाया है। डिब्बे फेंक देते हैं लोग लेकिन उनको यूज़ कर लेना चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। तो मैंने ये एक पॉट में से ये निकाल लिया है, देखिए, और मैं दिखाना चाहती हूँ कि बल्ब से कैसे ग्रो हुआ है। तो ये कई सारे बल्ब्स थे, कई कई पार्ट्स में मैंने तोड़ के लगाए थे। तो देखिए ये एक बड़ा सा बल्ब्स है, इसमें से जो लीव्स निकली हैं। इसके अलावा इसके छोटे छोटे पार्ट्स जो मैंने किए थे उस सब में से लीव्स आ गई हैं। देखिए आप इसको अलग अलग करके भी लगा सकते हैं या तो फिर एक पास करके लगा दीजिए, वो अपने आप ही ग्रो होते जाएंगे और इसके बाद ये और ज़्यादा इनके बल्ब्स बन जाएंगे। तो अगले साल और ज़्यादा ये हो जाएंगे, मतलब आपको एक बार ले लिया तो बार बार लेने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप ये गार्डन में फिर सीजन आने पे ग्रो हो जाते हैं। ठंडी आते ही इनकी लीव्स सूख के ख़त्म हो जाती हैं लेकिन उसके बाद जैसे ही बरसात स्टार्ट होता है फिर से इनकी लीव्स अपने आप आ जाती हैं। तो ये आपके गार्डन को कलरफुल बनाए रखता है, ये देखिए कितना प्यारा है। तो ये सारे बल्ब्स हैं और इसे मैं एक पॉट में लगाने वाली हूँ, ये देखिए छोटा सा, तो ये मैंने लगा दिया है। अब ये दो चार दिन में सेट हो जाएगा तो अच्छा लगेगा। कोई भी बड़े पॉट के चारों तरफ आप लगा दीजिए, देखिए मैंने ये लगाया है, एग्रिका पाम ये है, इसके चारों तरफ ये अच्छा लग रहा है। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और कोई क्वेश्चन वगैरह है तो मुझे कमेंट कीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।